अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं वसीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ मिलते रहें। दोस्तों अगर आपके घर का लोड 1 किलोवाट से कम है और आप तमाम घर का लोड सोलर की मदद से सारा दिन चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको उसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। दोस्तों आपने 445 वाट के 3 सोलर पैनल लेने हैं, 150 एम्पीयर आवर की किसी भी कंपनी की एक बैटरी ले लेनी है। दोस्तों इसके अलावा आपने 2 डीसी ब्रेकर लेने हैं, एक 16 एम्पीयर का ब्रेकर होगा और एक 25 एम्पीयर का ब्रेकर होगा। एनवरएक्स 1.2 किलोवाट का एक इन्वर्टर होगा और अलहम्द एमबीबीटी चार्ज कंट्रोलर होगा। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सिस्टम में डीसी सर्किट ब्रेकर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। दोस्तों सबसे पहले आपने 2.5 mm की वायर लेनी है और एक सिंगल जो सोलर पैनल है उससे दोनों वायर्स के कनेक्शन 16 एम्पीयर के ब्रेकर के साथ कर देने हैं और फिर आउटपुट से सीधा इन्वर्टर में दोनों वायर्स कनेक्ट कर देनी है। एनवरएक्स 1.2 किलोवाट से आपने देखकर बैटरी के कनेक्शन जो है कर देने हैं, दोनों बैटरी के टर्मिनल्स के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन कर देंगे और वापडा की इनपुट भी दे देंगे। फिर आप 6 mm की वायर लेंगे और जो सोलर पैनल 2 हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव दोनों वायर एक जगह पर इकट्ठी कर लेंगे और नेगेटिव एक जगह पर, और उसको 25 एम्पीयर के ब्रेकर के साथ लगा देंगे। यही वायर्स आपने ब्रेकर की आउटपुट से लेकर सीधा अलहम्द एमबीपीटी चार्ज कंट्रोलर की इनपुट में लगा देनी है। फिर 16 mm की वायर लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर्स आपने बैटरी के जो हमारे पहले वायर्स लगी हुई हैं उनके साथ ऊपर की जानब कनेक्ट करनी है। याद रखें कि बैटरी के टर्मिनल्स के साथ आपने कनेक्ट नहीं करनी, ऊपर की तरफ कनेक्ट करनी है। दोस्तों इस पर पहले ही चैनल पर वीडियोज मौजूद हैं। अब आपने इन्वर्टर की आउटपुट से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर्स जो आपके घर का मेन डीपी बॉक्स है उसमें कनेक्ट कर देनी है। दोस्तों अब हमारे घर के तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम लोड की बात कर लें तो आप इस पर 3 से 5 एनर्जी सेवर चला सकते हैं, 3 सीलिंग फैन चला सकते हैं, इसके अलावा एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं और एक फ्रिज भी चला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप LCD TV भी एक इस पर बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं और ये तमाम लोड दोस्तों आप सारा दिन सोलर की मदद से चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई छोटी मोटर हो जिसका टार्क जो है 2400 VA तक हो और लोड 1 किलोवाट से कम हो तो ये सारा लोड बंद करके आप उसको भी बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक छोटे घर में रहते हैं और आपका जो लोड है वो 1 किलोवाट तक है तो ये सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इस पर रहते हुए आप अपने घर का तमाम लोड बहुत ही आसानी के साथ सारा दिन चला सकते हैं। दोस्तों आप इसी सिस्टम पर 1 टन का या 1.5 टन का हायर DC इन्वर्टर AC जो कि UPS डिवाइस के साथ चलाया जाता है भी इस पर चला सकते हैं। उसके साथ आप एक एनर्जी सेवर और एक सीलिंग फैन भी सारा दिन चला सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।